नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पथराव की घटना के बाद पुलिस पहुंची आरोपियों के मकान तोड़ने। समुदाय विशेष की महिलाएं बैठी धरने पर, कार्यवाही स्थगित की गई। शुक्रवार की शाम राम मंदिर के लिए धन संग्रह करने के लिए निकाली जा रही रैली पर बेगमबाग क्षेत्र में पथराव होने से शहर में उस समय तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। इसके बाद धार्मिक संगठनों द्वारा समुदाय विशेष के खिलाफ कार्यवाही के लिए ज्ञापन देने के बाद भारी मात्रा में विशेष पुलिस बल भेजने के साथ ही SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला, एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में पहुंचे और आरोपियों के मकानों को तोड़ने की कार्यवाही शुरू ही की थी कि बड़ी संख्या में समुदाय विशेष की महिला एवं पुरुष सड़कों पर उतर आए। साथ ही नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो लोग रोड पर अनावश्यक रूप से खड़े अपने घरों को जाएं। धारा 144 लागू है। ये जो रोड किनारे बच्चे खड़े सब घर जाएं अपने। धारा 144 लागू है। चार या चार से अधिक व्यक्ति रोड पर खड़े दिखाई देते, 144 लागू है। कृपया रोड पर चार या चार से अधिक व्यक्ति एकत्र न हो। धारा 144 लागू है। रोड पर चार।